हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का पीडीएफ आने वाला है, तो आज आपका पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड किया है। जिस किसी को भी अगर वो पीडीएफ लेना है तो आप जाकर के एक प्रॉपर प्रोसीजर, जो पीडीएफ लेने का एक प्रॉपर प्रोसीजर का एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। उस वीडियो से रिलेटेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप वो पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, वीडियो में भी मैंने बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि वीडियो को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक, अगर कोई भी शेयर करता है तो इस बार उस पर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके अगस्त माह के करंट अफेयर्स पर। ठीक, देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में पहले नंबर पर है आपका आजीविका अंगना। आजीविका अंगना प्रदेश का पहला आजीविका अंगना ये खोला गया है आपका गनियारी तखतपुर ब्लॉक बिलासपुर में। बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत गनियारी में आपका आजीविका अंगना खोला गया। अंगना जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे, जो घर के बाहर जो आपका स्पेस रहता है, जो छोटा सा गार्डन एरिया रहता है, उसे ही कहा जाता है अंगना। आजीविका मतलब एक प्रकार का रोजगार। ठीक, जीवन जीने के लिए जो आप काम करते हैं वो कहलाता है आपका आजीविका। ठीक, एक प्रकार का रोजगार, तो ये क्या है, आपका एक आजीविका अंगना है। ये पर्टिकुलर आपकी महिला स्व सहायता समूहों को टारगेट करते हुए या पर्टिकुलर महिला रोजगार को टारगेट करते हुए आपका यह आजीविका अंगना आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आपका गनियारी तखतपुर ब्लॉक बिलासपुर में यह खोला गया है। यह प्रदेश का पहला आजीविका अंगना होगा जो कि आपका मल्टी एक्टिविटी सेंटर से रिलेटेड है। ये मल्टी एक्टिविटी आपका सेंटर, देखिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर मतलब यहां पर क्या है, रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन पर्टिकुलर कोई एक आपके रोजगार नहीं, इसमें मल्टीपल रोजगार दिए जा रहे हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट दिए जा रहे हैं। मतलब यहां पर आपके महिलाओं के द्वारा यहां पे बैग बनाए जाएंगे, सैनिटरी पैड बनाए जाएंगे, अगरबत्ती बनाई जाएगी, आपके जूते बनाए जाएंगे, कांच की चूड़ियां बनाई जाएगी, सिलाई कढ़ाई के यहां पे कार्य किए जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग आपका एक मल्टीपल एक्टिविटी वाला या मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट यहां पे आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्रदेश का पहला आजीविका अंगना आपका गनियारी तखतपुर ब्लॉक बिलासपुर में आपका खोला गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रदेश के आपके अचानकमार अभयारण्य, प्रदेश के अचानकमार अभयारण्य को आपका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है, आप सभी को मालूम है कि जो अचानकमार अभयारण्य है ये हमारे प्रदेश का एक आपका टाइगर रिजर्व भी है। हमारे प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व है, एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उद्यंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व और एक है आपके अचानकमार टाइगर रिजर्व। अभी हाल फिलहाल में ही आपका अखिल भारतीय आपका एक टाइगर का एक रिपोर्ट जारी किया गया है। अभी हम आगे देखेंगे अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, ये जारी किया गया है वर्ष 2018 का, जिसमें जो आपके आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कम हुई है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कम हुई है। वर्ष 2014 में जहां छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 46 थी, वहीं अभी वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या हो गई है आपकी 19, यानी 27 बाघ कम हुए हैं। हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो आपके तीन टाइगर रिजर्व है, ठीक, जो आपके तीन टाइगर रिजर्व है उसमें से सर्वाधिक जो आपके टाइगर है वो आपके अचानकमार अभयारण्य में थे। और जो अभी इन चार सालों में जो आपके सबसे ज्यादा जो बाघ कम हुए हैं, जो टाइगर कम हुए हैं, वो इसी आपके अचानकमार अभयारण्य से हुए हैं। ठीक, तो इसी कारण से आपके इस अचानकमार अभयारण्य को आपका इको सेंसिटिव जोन या आपका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद इस अचानकमार टाइगर रिजर्व के आसपास ना ही कोई आपके उत्खनन कार्य किए जाएंगे, ना ही खनन कार्य किए जाएंगे, ना ही पत्थर तोड़ने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ इन आपके इस अचानकमार टाइगर रिजर्व में आपके लोगों के हस्तक्षेप को भी अब पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक, यानी एक प्रकार का मानव हस्तक्षेप को इसमें अब रोका जाएगा, इसलिए इसे एक सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बस्तर लोक नृत्य व साहित्य एकेडमी। बस्तर लोक नृत्य एवं साहित्य एकेडमी, लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए और प्रादेशिक जो साहित्य
साहित्य है उसे बढ़ावा देने के लिए आपका बस्तर लोक नृत्य व साहित्य एकेडमी खोला गया है आपके असनाग्राम में, असनाग्राम बस्तर, ठीक, असनाग्राम में खोला गया है आपका बस्तर लोक नृत्य व साहित्य एकेडमी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका दुंगली ग्राम धमतरी। जो दुंगली ग्राम धमतरी है, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हाल फिलहाल में आपकी धमतरी प्रवास में गए हुए थे, तब उन्होंने कुछ घोषणा की है, तो उसको समझिएगा। ये जो आपका दुंगली ग्राम जो धमतरी है, ये दुंगली ग्राम धमतरी में आपका खोला जाएगा एक त्रिफला प्रसंस्करण केंद्र और दूसरा खोला जाएगा तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र। त्रिफला प्रसंस्करण केंद्र और तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, देखिए त्रिफला के अंतर्गत यदि हम बात करें तो त्रिफला के अंतर्गत स्पेशली आता है आपका आंवला, बहेड़ा और हर्रा। आंवला, बहेड़ा और आपका हर्रा, ठीक, ये तीन जो है, ये तीन फलों को मिला करके, इन तीन फलों को 1:2:3 के मिक्सचर में मिला करके ये त्रिफला का एक चूर्ण तैयार किया जाता है, जो बहुत से बीमारियों के लिए एक प्रकार का औषधि का ये कार्य करता है, ठीक। तो ये त्रिफला प्रसंस्करण केंद्र आपका खोला जा रहा है ये दुंगली ग्राम धमतरी में। एक्चुअली में इसका नाम रखा जरूर गया है त्रिफला प्रसंस्करण केंद्र, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत से आपके वन उपज, ये वनों से प्राप्त होने वाले फलों से यहां पे औषधि बनाई जाएगी, खाने के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, ठीक। जरूरी नहीं कि त्रिफला के अंतर्गत जो तीन फल शामिल है उन्हीं को आपको यहां पे आपका प्रोसेसिंग की जाएगी। जैसा आप सभी को मालूम है कि जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार है उसने अभी इस बार आपका 7 से बढ़ा करके 15 आपका लघु वन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। साथ ही साथ वो प्लानिंग कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार की इस साल थोड़ा अब सुधार करके लगभग छत्तीसगढ़ के 50 लघु वन उपज जो कि कृषि मंडियों के माध्यम से खरीदी की जाएगी, ठीक। तो इसी देखिए, तो ये जो आपके इतने सारे जो आपके जो वन उपज, ये जो वन उपज जो खरीदे जा रहे हैं उसमें जो फल खरीदे जाएंगे, तो उस फल को एक प्रोसेसिंग करके देखिए कुछ की औषधि बनाई जाएगी, कुछ का एक खाद्य पदार्थ बनाया जाएगा, तो उसके लिए खोला जा रहा है आपका त्रिफला प्रसंस्करण केंद्र। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि त्रिफला प्रसंस्करण केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, खोला गया नहीं है, कहाँ प्रस्तावित है, तो ये है आपका दुंगली ग्राम धमतरी में। नेक्स्ट है आपका तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, ये भी खोला जा रहा है आपका दुंगली ग्राम धमतरी में। पिछले करंट अफेयर के वीडियो में भी, पिछले कुछ महीने पहले के करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आपको एक और नाम बताया था तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र का, कौन सा है नीचे कमेंट करके बताइएगा कि तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र और किस जिले में मौजूद है। इसके साथ साथ आप एक चीज और बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन वृत्त है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुल कितने वन वृत्त या छत्तीसगढ़ कुल कितने वन वृत्तों में बटा हुआ है, सभी के नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा किसी भी चीज़ को टाइप करके लिखने में, अगर किसी ने आंसर दे दिया उसे देने दीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ को टाइप करके यदि आप उसका आंसर बताएंगे तो जो चीज़ आप टाइप किए रहेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा समय तक बैठी रहेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज, प्रदेश का पहला फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज ये खोला जा रहा है आपका राजापुर ग्राम दुर्ग में खोला जा रहा है आपका प्रदेश का पहला फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज। फिशरीज मतलब आपके मत्स्य या मछली से संबंधित, ठीक, मछली के उत्पादन से संबंधित ये फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज ये छत्तीसगढ़ का पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज होगा आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित या मछली उत्पादन से संबंधित। इसका संचालन करेगा आपका कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित, जो आपका कामधेनु विश्वविद्यालय है उसके द्वारा यह प्रदेश का पहला आपका फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला जा रहा है आपका राजापुर ग्राम आपके दुर्ग जिले में, ठीक। देखिए मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन के मामले में यदि हम बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मछली उत्पादन के मामले में है आपके 6वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर है आपके 6वें स्थान पर, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला सामुदायिक वन संसाधन ग्राम, ये जो आपका प्रदेश का पहला सामुदायिक वन संसाधन ग्राम, ये इसका अधिकार दिया गया है आपका जबरा ग्राम। ये जो जबरा ग्राम है ये आपके नगरी ब्लॉक के अंतर्गत धमतरी में आता है। धमतरी जिले के आपके जबरा ग्राम को
प्रदेश का पहला सामुदायिक वन संसाधन ग्राम का एक अधिकार पत्र सौंपा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। देखिए ये है क्या, वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत, वन मान्यता अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस वन यह वन संसाधन जो ग्राम है इसे एक अधिकार पत्र सौंपा गया है, अधिकार पत्र सौंपा गया है। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो आपका वन संसाधन जो ग्राम है इसमें जो अधिकार पत्र सौंपा गया है तो इसके अंतर्गत इस ग्राम के लोगों को, देखिए ये क्या है, सामुदायिक यानी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, पूरे के पूरे ग्राम के समूह को, पूरे एक समुदाय को यहाँ पे वन संसाधन अधिकार पत्र सौंपा गया है। तो इस अधिकार पत्र के माध्यम से जो उस एरिया के जो वन क्षेत्र है, उस एरिया का जो वन क्षेत्र है उसके दोहन करने का अधिकार, उसके रखरखाव का अधिकार, उसके सुरक्षा का अधिकार, उसके मैनेजमेंट का अधिकार, वहां से जो भी इमारती लकड़ी, वहां से जलाऊ लकड़ी, ये सारे के दोहन करने का अधिकार एक निश्चित मात्रा में, पूरा दोहन नहीं कर सकते, एक निश्चित मात्रा में उसके दोहन करने का अधिकार, उस वन क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है आपके इस जवरा ग्राम को। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप सभी को मालूम है कि आज के डेट में बहुत सारे वन क्षेत्र आपके मानव हस्तक्षेप के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इस अधिकार पत्र के माध्यम से पर्टिकुलर इस जवर्रा ग्राम को सामुदायिक तौर पर एक अधिकार पत्र दिया गया है ताकि वे उस अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र की सुरक्षा भी कर सके, उसका रखरखाव कर सके, उसका मैनेजमेंट कर सके, उसका दोहन कर सके, ये सारे अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रदेश का पहला सामुदायिक वन संसाधन ग्राम कौन सा है, जवर्रा ग्राम, जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका नरहरा जलप्रपात, नरहरा जलप्रपात जो कि है आपका धमतरी जिले में आपका झूरा नवा गांव कोटरवाही के अंतर्गत आता है। झूरा नवा गांव कोटरवाही धमतरी जिला, ये कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, न्यूज में आया था, हमको छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी का भी लेते हुए चलना है। अगर आपको मालूम है कि आज के डेट में नए नए क्वेश्चन आते जा रहे हैं, हो सकता है जनरल स्टडी का एक क्वेश्चन बन जाए कि आपका नरहरा जलप्रपात आपके किस जिले में है, तो धमतरी जिले में, और डिटेल में गया तो आपका झूरा नवा गांव कोटरवाही के अंतर्गत धमतरी जिले में आता है ये। ठीक, नेक्स्ट है आपका नया राजस्व अनुविभाग, नया राजस्व अनुविभाग घोषित किया गया है आपके लोहांडीगुड़ा को आपका नया राजस्व अनुविभाग घोषित किया गया है। जब से नई सरकार आई है तो काफ़ी इसमें प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं, काफ़ी इसमें विभागों में, तहसीलों में नए इसमें गठन किए जा रहे हैं। तो ये जो राजस्व अनुविभाग है वो बनाया जा रहा है लोहांडीगुड़ा को नया राजस्व अनुविभाग बनाया गया है। देखिए होता क्या है, एक होता है राजस्व विभाग तो छोटा होता है राजस्व अनुविभाग। देखिए आपके संभाग स्तर पर एक संभाग आयुक्त होता है, उसके अगर हम नीचे बात करें तो उसके नीचे आता है आपका राजस्व विभाग, उसके नीचे आता है आपका राजस्व अनुविभाग। ठीक, ये हम आपके एक राजस्व मतलब एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। संभाग के नीचे होता है राजस्व विभाग के अंतर्गत होता है राजस्व अनुविभाग। तो जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता है वो होता है आपका संभाग आयुक्त यानी कमिश्नर। उसके बाद आता है आपका राजस्व विभाग जो कि राजस्व कार्यों संबंधी जो क्रियाकलाप करता है वो उसका हेड होता है कलेक्टर, एक आईएएस ऑफिसर कलेक्टर होता है। राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता है वो एक कलेक्टर होता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, पर्टिकुलर एक जिले को राजस्व विभाग बनाया जाता है। तो एक जिले के जो मुखिया होता है, मान लीजिए राजस्व विभाग का जो मुखिया है वो है कलेक्टर, लेकिन इतने बड़े जिले का एक अकेला देखरेख करना पॉसिबल नहीं है। तो उस जिले को कई छोटे छोटे अनुविभाग में विभक्त किया जाता है, इस अनुविभाग में जो नियुक्ति की जाती है कलेक्टर की सहायता के लिए नियुक्ति की जाती है आपके डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति की जाती है इस राजस्व अनुविभाग में, जो कि कलेक्टर को कार्यों में सहायता करने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। तो बस इतना याद रखिएगा, इसमें जो आपके डिप्टी कलेक्टर नियुक्त होते हैं वो एसडीएम के तौर पर वो यहां पर नियुक्त होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक नॉलेज के लिए याद रखिएगा, नया राजस्व अनुविभाग ये बनाया गया है आपके लोहांडीगुड़ा को। नेक्स्ट है आपका नया तहसील, 15 अगस्त के अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था एक नया जिला का। नया जिला कौन सा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, और साथ ही साथ घोषणा की गई थी कि 25 नए तहसील का भी निर्माण किया जाएगा। तो उसी कड़ी में आपका कुकरेल और भाखरा दो अलग अलग है, कुकरेल एवं भाखरा को धमतरी में नए तहसील बनाने की घोषणा की गई है।
कुकरेल एवं भाखरा को आपका धमतरी में नए तहसील बनाने की घोषणा की गई है। ठीक, जैसे कि मैंने कहा था कि 15 अगस्त के दिन आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था नए जिले का, गोरेला पेंड्रा मरवाही। इससे रिलेटेड मैं पूरे उस जिले से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें कुछ डाउट है लोगों को उसको बता देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ का मैंने उसमें एक टॉपिक बताया था अनोखा जिला, छत्तीसगढ़ का मैंने उसमें बताया है कि जो छत्तीसगढ़ का यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र होंगे, उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। न्यूज़ में जो न्यूज़ में मेरे को डाटा मिले थे मैंने वही बताया था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधानसभा वाला जिला बनेगा, लेकिन वह एकलौता जिला नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में और भी कई जिले हैं जिसमें आपके एक ही विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम बात करें तो नीचे तरफ आपका दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर है, जिसमें आपके एक ही विधानसभा क्षेत्र है। तो ये जो आपका जो नया जिला बनने वाला है गोरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि एकमात्र विधानसभा वाला जिला बनेगा, लेकिन वो एकलौता जिला नहीं है, और भी जिले हैं जो कि आपके एक विधानसभा क्षेत्र जिनमें जिसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नियुक्ति, मध्य क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष। मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि आप सभी को मालूम होगा कि जो भारत है, भारत में आपका वर्ष 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, जिसने भारत में राज्यों की मांग को देखते हुए भारत को अलग अलग राज्यों में विभक्त किया था उसने। ठीक, तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था, देखिए उस समय जब जो राज्यों की मांग आ रही थी, कोई भाषाई आधार पर था, कोई क्षेत्रीय आधार पर था, कोई अपने संस्कृति के आधार पर अलग अलग अपने राज्यों की मांग कर रहे थे। ठीक, तो लगातार जो राज्यों की मांग उठ रही थी, तो उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और राज्यों को और भारत को अलग अलग राज्यों में विभक्त किया गया। लेकिन यहां एक समस्या यह उठी कि इन राज्यों को हम भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, संस्कृति आधार पर विभक्त तो कर रहे हैं, लेकिन इनके मध्य एक समन्वय बनाना काफी जरूरी है, इन्हें एकजुट बनाए रखने काफी जरूरी है। तो इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत कॉन्सेप्ट लाया गया था आपका क्षेत्रीय परिषद का। क्षेत्रीय परिषद जो आपका अलग अलग भाषाई आधार पर, वेशभूषा भाषाई आधार पर, संस्कृति आधार पर, रहन सहन के आधार पर जो अलग अलग मांग कर रहे थे, उन राज्यों का गठन तो किया गया, लेकिन इनके मध्य एक समन्वय स्थापित करने के लिए ये क्षेत्रीय परिषद का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये संकल्पना थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक, देखिए हमारा जो वर्ष 1956 में आपका कुल 5 क्षेत्रीय परिषद को शामिल किया गया था। 5 क्षेत्रीय परिषद, एक था आपका उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है चेन्नई में, पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है आपका कलकत्ता में, पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है आपके मुंबई में, और एक है मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है आपका इलाहाबाद में। ठीक, कुल 5 क्षेत्रीय परिषद आपके वर्ष 1956 में शामिल किए गए थे। उसके बाद एक नया क्षेत्रीय परिषद वर्ष 1972 में शामिल किया गया, वो था आपका पूर्वोत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर भारत जो आपके 7 सिस्टर वाले जो स्टेट है, तो उन 7 सिस्टर स्टेट को लेकर के एक पूर्वोत्तर भारत आपका क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय है आपके गुवाहाटी में। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ये जो आपका मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद है या जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसके अंतर्गत कुल 4 जिले आते हैं। एक है आपका उत्तर प्रदेश, एक है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है उत्तराखंड। लाइन से है, याद रख सकते हैं इसको। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है इलाहाबाद, और यह इलाहाबाद ही आपका इस क्षेत्रीय परिषद का आपका मुख्यालय है। हर 2 साल में इन क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होती है। इसके जो अध्यक्ष है ये परमानेंट है। देखिए अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, या आप कह सकते हैं पदेन अध्यक्ष होंगे। जो भी केंद्रीय गृह मंत्री होगा वो इसके अध्यक्ष होंगे, और उपाध्यक्ष आपका चक्रीय आधार पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में इसके बनाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर 2 साल में इसकी बैठक होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आपके अमित शाह जी। ठीक, नेक्स्ट व्यक्ति विशेष देखिए, दामोदर गणेश बापट जिनका अभी
इसी महीने उनका निधन हो गया। तो जो दामोदर गणेश बापट है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2017 से नवाजा गया था। इन्हें आपका श्यामलाल चतुर्वेदी के साथ, जो आपके श्यामलाल चतुर्वेदी है जिनका भी पिछले महीने आपका निधन हुआ था, उनके साथ ही इन्हें आपका पद्मश्री पुरस्कार 2017 से नवाजा गया था। इन्हें सामाजिक कार्य के लिए यह पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। सामाजिक कार्य यानी कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा डीप में समझिएगा। ये जो आपका ये कुष्ठ रोग या कुष्ठ रोगियों की जो सेवा करने के लिए ये जो आपके एक संघ बनाया था या एक तरीके का जो आश्रम है, वो आश्रम का नाम समझिएगा। देखिए, इसका नाम है आपका भारतीय कुष्ठ निवारक संघ। भारतीय कुष्ठ निवारक संघ जो कि मौजूद है आपका कात्रे नगर जांजगीर चांपा जिले में, या स्पेशली हम बात करें चांपा के कात्रे नगर ग्राम सोठी में मौजूद है आपका भारतीय कुष्ठ निवारक संघ। ठीक, वर्ष 1962 में सदाशिव गोविंद कात्रे, ये इनका जो सरनेम है इसी के कारण इसका जिस जगह का नाम पड़ा है कात्रे नगर, सदाशिव गोविंद राव कात्रे के द्वारा ये आपका भारतीय कुष्ठ निवारक संघ इसका गठन किया गया था कुष्ठ रोगियों के आपका उपचार के लिए या उनकी सेवा के लिए। ठीक, तो ये गठन किया गया था वर्ष 1962 में। वर्ष 1972 में इनसे आकर के जुड़े आपके दामोदर गणेश बापट। सदाशिव गोविंदराव कात्रे, इनकी मृत्यु होने के पश्चात ये सारा कार्यभार संभाला इस भारतीय कुष्ठ निवारक संघ का दामोदर गणेश बापट ने। ठीक, तो याद रखिएगा, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ कहाँ मौजूद है? सौठी ग्राम कात्रे नगर चापा में या जांजगीर चांपा जिले में। ठीक, नेक्स्ट है आपका कैप्टन सौमित्र तामस्कर। ये हमारे प्रदेश से है, जिन्हें जो कि आपके भारतीय वायुसेना में ये कार्यरत है। ठीक, वायु इन्हें इस साल 15 अगस्त के अवसर पर वायुसेना मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया। ये हमारे रायपुर से संबंधित है, रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की और वर्ष 2012 से ये भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैप्टन सौमित्र तामस्कर, ठीक, जिन्हें वायुसेना मेडल से अभी 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपकी नैना धाकड़ या नैना सिंह धाकड़, जिन्होंने अभी 15 अगस्त के दिन इन्होंने खारदुंगला चोटी जिसकी ऊंचाई है आपका 5602 मीटर, खारदुंगला चोटी की इन्होंने चढ़ाई की या उस पर चढ़कर इन्होंने तिरंगा फहराया। देखिए, समझिएगा, ये जो आपका खारदुंगला चोटी है ये मौजूद है आपके लेह लद्दाख एरिया में मौजूद है ये आपका खारदुंगला चोटी। अभी वर्तमान का ये आपका लेह लद्दाख, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये लेह लद्दाख के ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है खारदुंगला चोटी, जिसकी ऊंचाई है आपका 5602 मीटर। नेक्स्ट है आपके नितेश साहू, जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है प्रदेश के नितेश साहू को। देखिए, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है घुरवा परियोजना के लिए। भारत सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत इस घुरवा परियोजना, आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में चल रहा है आपका नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना, तो उसी का जो घुरवा परियोजना है, उस घुरवा परियोजना को देश के साथ साथ विदेशों में भी इसने पहचान दिलाई। जो नितेश साहू ने प्रदेश के इस घुरवा परियोजना को स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत देश के साथ साथ विदेशों में भी इसे एक अलग पहचान दिलाई, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपकी चित्ररेखा राठौड़, जो कि आपके कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के एक कंटेस्टेंट बनकर आई थी, जिन्होंने ये आपकी कोरबा में इनका जन्म है और आपका कार्य क्षेत्र है, ये एक्चुअली में एक औषधि से संबंधित ये एक डॉक्टर है जिनका भी कार्य क्षेत्र है रायपुर में। बेसिक नॉलेज के लिए याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद रखिएगा। ये जो आपकी चित्ररेखा राठौर है, ये रायपुर से संबंधित है, कौन बनेगा करोड़पति की एक कंटेस्टेंट थी, जिन्होंने 6,40,000 रुपये की धनराशि कौन बनेगा करोड़पति शो में जीता। नेक्स्ट है विविध मिसलेनियस, इसको थोड़ा लास्ट में बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा स्पेस है इसलिए यहीं बता रहा हूँ। देखिए, आनंद क्या है? आनंद एक नर पड़वे का नाम है। नर पड़वा, देखिए, पड़वा का मतलब होता है वन भैंसे का बच्चा। ठीक, पड़वा इसे याद रखिएगा, ऐसे ही याद रखिएगा, ये जीएस का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वन भैंसे के जो छोटे बच्चे रहते हैं उसे कहा जाता है पड़वा।
किसे? नर, नर पड़वा। ठीक, तो ये जो आपका उद्यंती अभ्यारण्य है, उद्यंती अभ्यारण्य में एक खुशी नामक एक मादा वन भैंसा है, खुशी नामक एक मादा वन भैंसा है जिसने आपके इस नर पड़वा या आपके नर आपके वन भैंसे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है आनंद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इससे पहले भी। ये जो वन भैंसे के जो नामकरण होते हैं ना, जैसे दीप आशा हो गया, आपका श्यामू हो गया, ठीक, जुगाड़ू हो गया, वैसे ही इस आनंद और इस खुशी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रदेश में अभी तक वन भैंसों की संख्या थी आपकी 10, अब इस नए नर पड़वे के जन्म, इस आनंद के आने के बाद अब प्रदेश में वन भैंसे की संख्या 10 से बढ़कर हो गई है 11, यानी वर्तमान में प्रदेश में वन भैंसों की संख्या है 11। ठीक, नेक्स्ट है आपका ठुरलू खोटला। देखिए ये ठुरलू खोटला क्या है, आप सभी को मालूम है कि बस्तर का जो दशहरा है वो ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, लगभग 75 दिनों तक ये बस्तर का दशहरा चलता है। बस्तर के दशहरे में आपका रावण का वध नहीं किया जाता, इसमें एक रथ त्यौहार के रूप में इस बस्तर के दशहरे को मनाया जाता है। तो ये जो आपका इसका रथ का निर्माण किया जाता है बस्तर में, जो रथ का निर्माण किया जाता है, तो रथ के निर्माण के लिए जो औजार रहते हैं बस्तर में, जो आपके हस्त निर्मित जो रथ है, जो हाथों से जो रथ का निर्माण किया जाता है, तो उस रथ के निर्माण के लिए जो औजार उपयुक्त किया जाता है या जो औजार का प्रयोग किया जाता है, तो उस औजार को बनाया जाता है इस ठुरलू खोटला वृक्ष के तने से। हर साल आपके बस्तर के आदिवासी स्पेशली, ये आपके जो बिलौरी ग्राम है, बिलौरी ग्राम के आदिवासियों को यह अधिकार दिया गया है कि ये वन देवता से अधिकार लेकर के जंगलों में जाकर के इस ठुरलू खोटला की लकड़ी को ढूंढे और उस ठुरलू खोटला की लकड़ी को ढूंढ करके राजमहल में ला करके उस लकड़ी को सौंपा जाता है। उस लकड़ी से फिर बनाया जाता है औजार और उस औजार का उपयोग किया जाता है आपके बस्तर के रथ बनाने के लिए। ठीक, ये जो ठुरलू है इसका अर्थ होता है आपका मजबूत तना, ठुरलू का अर्थ होता है मजबूत तना। ठुरलू खोटला ये क्या है, आपके जो बस्तर का जो रथ है, जो बस्तर के दशहरे में जो रथ बनाया जाता है, हस्तनिर्मित जो रथ होता है, उसका औजार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग के लिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा, कहीं से भी ढूंढ के बताइएगा कि जो बस्तर में जो रथ बनाया जाता है, रथ त्यौहार के लिए जो बस्तर का रथ बनाया जाता है, रथ के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। औजार के लिए तो आपका ठुरलू खोटला लकड़ी का उपयोग किया जाता है, लेकिन बस्तर के हस्त निर्मित रथ बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं योजनाओं पर। देखिए पहले नंबर पर है आपका लोकवाणी। लोकवाणी क्या है? लोकवाणी एक रेडियो कार्यक्रम है। देखिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, मे बी पॉसिबल इससे प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए जो आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात एक रेडियो कार्यक्रम उनके द्वारा जो चलाया जाता है, उससे ही प्रश्न पूछा जा चुके हैं। इससे पहले जो आपके रमन सिंह जी की जो सरकार थी बीजेपी सरकार थी, उनके द्वारा आपका चलाया जाता था रमन के गोट, उससे भी हमारे पीएससी में और व्यापम में बैक टू बैक दो प्रश्न उसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक, ये नया आया है लोकवाणी, इससे एक प्रश्न पूछेगा ही इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम पे। ठीक, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो रमन के गोट है उसमें भी डेट पूछा था, तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो लोकवाणी है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो रेडियो कार्यक्रम में जो अपने मन की बात की जाती है, तो ये जो लोकवाणी है इसकी शुरुआत की गई है आपके 11 अगस्त 2019 को इसका पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। देखिए इसका जो प्रसारण है, इसका प्रसारण हर महीने के दूसरे रविवार को किया जाएगा, हर महीने के सेकेंड संडे दूसरे रविवार को इस लोकवाणी रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तो जो इसका पहला प्रसारण है ये 11 अगस्त 2019 को हुआ, जिसमें विषय, जिस विषय पे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चर्चा किया, वो विषय था आपका खेती एवं ग्रामीण विकास। इसमें स्पेशली उन्होंने नरवा गरुआ घुरवा कार्यक्रम, घुरवा और बाड़ी कार्यक्रम के बारे में डिटेल में बताया, कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, कर्ज माफी के बारे में बताया, तो एक डिटेल वो बताए। ठीक, तो याद रखिएगा लोकवाणी रेडियो कार्यक्रम जो कि 11 अगस्त 2019 को इसका पहला प्रसारण हुआ, जो कि अब हर महीने दूसरे रविवार को इसका प्रसारण अब कंटिन्यू होगा। पहला जो प्रसारण हुआ उसका विषय था आपका खेती व ग्रामीण विकास। नेक्स्ट, कुपोषण मुक्ति अभियान बोलिए या सुपोषण अभियान बोलिए, दोनों एक ही है। कुपोषण मुक्ति अभियान, ये आपका जून 2019 से
जून 2019 से ये चल रहा है आपका बस्तर और दंतेवाड़ा में। बस्तर और दंतेवाड़ा में आपका जून 2019 से आपका चालू है कुपोषण मुक्ति अभियान। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में जो कुपोषण है, देखिए ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसको भी याद रखिएगा, मेंस में आंसर राइटिंग में काम आता है। यदि किसी हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि कोई टॉपिक आता है उसमें लिखने के लिए आंकड़े काम आएंगे। प्रदेश में जो कुपोषण है, कुपोषण का स्तर है आपका 37.6%, यानी 37.6% प्रदेश में कुपोषण का स्तर है। जो कि देखिए ये जो कुपोषण है ये 0 से 5 वर्ष यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का स्तर है आपका 37.6%। जबकि एनीमिया, ये जो एनीमिया रोग है, ये एनीमिया स्पेशली बालिकाओं को और महिलाओं को होता है। तो ये जो एनीमिया है, एनीमिया का स्तर है प्रदेश में आपका 41.5%, 41.5%। ठीक, देखिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आपका 2 अक्टूबर से ये प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों में, दस आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं? दस आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आपके बस्तर संभाग के 7 जिले, फिर आपका राजनांदगांव, उसके अलावा आपका कोरबा और आपका महासमुंद। ठीक, तो ये टोटल आपके 10 जिले, ये 10 जिले आपके इस आकांक्षी जिलों की सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक, तो इन 10 जिलों में आपके इस 2 अक्टूबर से, देखिए इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है या इस बार का जो बजट है ये स्पेशली टारगेटेड है आपके इन आकांक्षी जिलों में। ठीक, तो कोई भी योजना आ रही है तो वो भी इन 10 आकांक्षी जिलों को टारगेट करते हुए आ रहा है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर इन 10 आकांक्षी जिलों, ये आकांक्षी जिलों से इस साल कोई ना कोई प्रश्न आएगा तो ये आकांक्षी जिलों का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। तो ये जो 10 आकांक्षी जिलों में ये इसका विस्तार किया जाएगा। लक्ष्य क्या है? आगामी 3 वर्ष यानी अगले 3 वर्ष में छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाना। आंगनबाड़ियों के माध्यम से आपके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें गर्म और पौष्टिक आहार उन्हें दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ आपके कार्यक्रम चलाए जाएंगे आंगनबाड़ियों में जिससे प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाया जाएगा अगले 3 साल में। नेक्स्ट, चना वितरण योजना। अभी हाल फिलहाल में आपका जो छत्तीसगढ़ है उसमें चना वितरण पे फिलहाल रोक लगा दिया गया था, लेकिन भूपेश बघेल जी के द्वारा उनके जन्मदिन के अवसर पर इस चना वितरण योजना को फिर से प्रारंभ किया गया। ये जो चना वितरण योजना है ये पूरे प्रदेश भर में लागू नहीं है। इस चना वितरण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो आपके 85 आदिवासी विकास खंड है या 85 आपके अनुसूचित जनजातीय जो आपके तहसील है, ठीक, इस आपके 85 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत जो तहसील है उसमें आपका ये 2 किलो चना का वितरण किया जाएगा, मैक्सिमम 2 किलो, और उसका मूल्य होगा 5 रुपये प्रति किलो की दर से। 5 रुपये प्रति किलो की दर से मैक्सिमम आपका 2 किलो चना दिया जाएगा, यानी 10 रुपये में आपके 2 किलो चना। ठीक, 85 अनुसूचित जनजाति तहसील में यह चना वितरण योजना लागू की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट और रैंकिंग। देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक आंकड़े जारी किए गए हैं, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018। देखिए भारत में प्रत्येक 4 साल में बाघों की जनगणना की जाती है, बाघों के आंकड़े सामने आते हैं। देखिए तो ये जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018, यानी 4 साल पहले 2014 में रिपोर्ट आया था, 2014 के बाद अब दूसरा रिपोर्ट आ रहा है 2018 में। वर्ष 2006 से बाघ का ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट वर्ष 2006 से जारी हो रहा है, कंटिन्यू हर 4 साल में इसके आंकड़े लाए जाते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की संख्या है वर्तमान में यह वर्ष 2018 की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर भारत में बाघों की संख्या है आपका 2967 बाघ मौजूद है आपके भारत में। ये तो था बेसिक क्वेश्चन जो कि आपसे बेसिकली पूछ सकता है, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा, हर 4 साल में रिपोर्ट आती है, यानी इससे पहले कब आया था, वर्ष 2014 में। तो इस 4 साल में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो याद रखिएगा कि पिछले जो रिपोर्ट आया था यानी इन 4 साल में बाघों की संख्या में 741 बाघों की वृद्धि हुई है। ठीक,
पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में बाघों की संख्या में आपका 741 बाघों की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लास्ट था आपका 2226 बाघ थे वर्ष 2014 के रिपोर्ट में, इस बार के रिपोर्ट में है आपके 2967 बाघ, यानी 741 बाघों की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बाघ, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, अब समझिएगा कि भारत में, देखिए भारत में एक आंकड़ा जो बता रहा हूं, बोर्ड पे लिखा नहीं है, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत के 18 राज्य में आपके कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो याद रखिएगा भारत के 18 राज्यों में कुल 50 टाइगर रिजर्व है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। भारत के कुल 18 राज्यों में आपके 50 टाइगर रिजर्व मौजूद है एट प्रेजेंट, ठीक। तो देखिए, तो जो भारत में जो 18 जिले हैं उसमें सर्वाधिक बाघ मौजूद है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपका 526 बाघ मौजूद है। इसी के साथ साथ सर्वाधिक बाघों की संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 526, सेकंड नंबर पर है कर्नाटक जिसमें है 524, थर्ड नंबर पर है आपका उत्तराखंड जहां पर है आपका 442। टॉप थ्री के नाम याद रखिएगा, फर्स्ट में मध्य प्रदेश, सेकेंड में कर्नाटक, थर्ड में है आपका उत्तराखंड, ठीक। अब छत्तीसगढ़ की स्थिति समझिए, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है, अभी बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार 19 बाघ है, 2014 में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या थी आपकी 46, वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या थी 46, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या घटकर हो गई है 19, यानी कुल 27 बाघ, प्रदेश में कुल 27 बाघ कम हुए हैं, ठीक। ये जो बाघों की जो कमी आई है उस कारण ही ये जो आपका अचानक मार अभयारण्य है इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक। तो देखिए, ये जो आपका छत्तीसगढ़ में आपके 3 टाइगर रिजर्व है, एक है आपका अचानक मार, दूसरा उद्यंती सीधा नदी और तीसरे नंबर पर है इंद्रावती, चौथा जो कि भोरमदेव जिसको टाइगर रिजर्व बनाए जाने की कवायदें थे काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन ये प्रॉपर टाइगर रिजर्व बनने के लिए जो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है या एक जो स्तर होता है उसे ये नहीं फुलफिल कर पा रहा, जिसके कारण ये टाइगर रिजर्व अभी बन नहीं पा रहा, लेकिन अगर ये बन जाता तो ये हमारे देश का 51 टाइगर रिजर्व बनता, लेकिन अभी बना नहीं है, प्रोसेस में है लेकिन अभी ये फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो 19 बाघ है इसमें जो अचानक मार अभ्यारण्य है, अचानक मार अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, इस 2018 रिपोर्ट के अनुसार अचानक मार अभ्यारण्य में 9 बाघ है, उद्यंती सीधा नदी अभ्यारण्य में 6 बाघ है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में आपके 3 बाघ है और भोरमदेव के अंतर्गत 1 बाघ है। भोरमदेव आपका टाइगर रिजर्व नहीं है, टाइगर रिजर्व 3 है, अचानक मार, उद्यंती सीधा नदी और इंद्रावती। सर्वाधिक कहां पर है? अचानक मार में, कितने? 9। उद्यंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व में है आपके 6, इंद्रावती में है 3 और सबसे कम है आपके भोरमदेव अभ्यारण्य में, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े दिए हैं, कुछ न्यूज़पेपर में आपके गुरु घासीदास के आंकड़े दिए, गुरु घासीदास जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघ है, उसमें भी बाघ के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक। तो वो अलग चीज है, लेकिन आप हमको टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कितने बाघ आ रहे हैं उसको देखना है, ठीक। तो ये आंकड़ों को याद करके रखिएगा, सर्वाधिक आपके बाघ किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, तो वो है आपके अचानक मार, ठीक। नेक्स्ट है आपका मनरेगा रिपोर्ट, मनरेगा के अंतर्गत जो आपके अकुशल श्रमिक है उन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में 150 दिन का रोजगार दिए जाने की बात कही गई है, ठीक। तो इसने इस मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने एक रिकॉर्ड बनाया है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन के मामले में देखिए, मानव रोजगार सृजन के मामले में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो है देश में चौथे स्थान पर है हमारा रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़, जिसने आपका 651 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किया, 651 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किया, ठीक, यानी 651 लाख दिन का रोजगार लोगों को छत्तीसगढ़ ने दिया। तो इस मानव रोजगार दिवस के साथ छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है, जिसने अपने लक्ष्य के विरुद्ध लोगों को ज़्यादा आपका रोजगार दिया या रोजगार का सृजन किया। एक्चुअली जो इसमें टारगेट था लगभग 638 लाख मानव रोजगार दिवस दिए जाने की इसमें लक्ष्य दिया
किया गया था जिसे पार करके छत्तीसगढ़ ने 651 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किया जो कि दिए गए लक्ष्य से 102% यानी 102% का उसने अपना ये टारगेट बनाया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है भुगतान प्रक्रिया, समयबद्ध भुगतान प्रक्रिया यानी काम पूरा होने पर मजदूरों को जो भुगतान दिया जाता है उस मामले में समयबद्ध भुगतान प्रक्रिया के मामले में जो छत्तीसगढ़ है वो पांचवें स्थान पर है यानी टोटल 92.06%। यानी जितने लोग इस मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी कर रहे थे उसमें लगभग 92% लोगों को समयबद्ध यानी टाइम टू टाइम उन्हें उनकी मजदूरी दर प्राप्त हुई। तो याद रखिएगा रोजगार सृजन के मामले में चौथे स्थान पर, भुगतान प्रक्रिया के मामले में पांचवें स्थान पर। इससे प्रश्न पीएससी प्री और व्यापम में पूछे जाने की संभावना कम है लेकिन यदि आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में ये आंकड़े लिखने में और आपके कंटेंट बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। ठीक, तो ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़े पढ़िएगा। तो और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के मंथली वीडियो का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपके वीकली बेसिस पर आएगा। डोंट वरी, जो भी बताऊंगा आपको अगर वीकली बेसिस पे भी आ रहा है तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा, उसमें जनरल स्टडी के टॉपिक को भी कवर। अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें आपको जनरल स्टडी की जरूरत पड़ रही है तो एक बेसिक जनरल स्टडी का कॉन्सेप्ट लेते हुए चीज़ों को बताऊंगा। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।